इस्लामिक वर्ड लाइन जी, इस्लामिक जी म्यूट पे आप हेलो, जी बोलिए मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। आ रही है आवाज जी, बोलिए। मैं और आप कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बेटी कैसी है? वो भी ठीक है जी। फर्स्ट ये पूछूंगा कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती? क्यों वैसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी बेटी पे क्यों आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है? बस ठीक है, नहीं लूंगा। और आप, आजकल मैंने आपको थोड़ा सा कम देखना शुरू किया। आज मैंने सोचा कि आप लाइव हैं या नहीं है, मैं देख रहा था। अच्छा, हफ्ते इस्लामिक में दो वर्ल्ड दफा में, तो आती हूँ। इस्लामिक वर्ल्ड में हम लोग चले गए ना, कहाँ चले गए? इस्लामिक वर्ल्ड में। अच्छा, आप इस्लामिक वर्ल्ड चले गए। अच्छा, हाँ ना, अभी ऐसी इस्लामी दुनिया बनाएंगे कि हम यूरोप के ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, सेंक्शन। हम अपना IMF बना देंगे। आपको क्या लगता है कि जो यूरोपियन वहां पे लोग बैठे हैं वो चूड़ियां पहन के बैठे हैं, वो एहतजाज नहीं करेंगे? क्या करेंगे वो? हम ऐसी चीजें करेंगे कि हम, और ये हमारे मौलवियों के पास ऐसी चीजें हैं कि ये दुआ करेंगे, ये सारे पहाड़ वगैरह सोने के बन जाएंगे। अच्छा, और भी बताइए, और कौन सी सैंक्शंस लगाएंगे मौलवी आपके? बस हम ये जो UN के जो पैरेलल एक कौंसल बनाएंगे अफगानिस्तान में, और बस इसके बाद हमारा अपना सिक्योरिटी कौंसल होगा, और ये हमारी अपनी UN असेंबली होगी। तो बस ये ख्वाब हमने देखा है अभी। जी, सिर्फ दुआएं करने से बन जाएगा पढ़ा पहाड़ सोने का? दुआ से, दुआ के बगैर, दुआ से तो पहाड़ खड़े हो जाते हैं। दुआ से पहाड़ खड़े हो जाते हैं। तो तो अभी जो मरी में ये हुआ है इंसिडेंट, आप लोगों ने दुआएं क्यों नहीं की कि स्टॉर्म थम जाए? वो भी मैं तो लोग किए, मैं दुआएं भी तो कर समझ रहे होंगे गया। ना। आपको क्या लगता है वो बंदे दुआएं नहीं कर रहे होंगे, या अल्लाह हमको बचा लो? दुआएं की लेकिन वो गुनाहगार थे ना, उनकी दुआ कबूल नहीं हो गई। आप कैसे कह सकते हो वो गुनाहगार थे? आप उनकी लाइफ को जानते हो सारे? मुझे तो बड़े अच्छे मुसलमान लग रहे थे, हिजाब पहनी हुई थी औरतें, शलवार कमीजें पहनी हुई थी, मुझे तो पक्के मुसलमान लग रहे थे। आप कैसे कह सकते हो कि वो गुनहगार थे? शायद अंदर से कोई मिलावट होगा उनमें, कोई हाँ पक्के मुसलमान नहीं होंगे अंदर से। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सारे, इस हिसाब से तो आपके पाकिस्तान में सभी गुनहगार हैं। कोविड ही खत्म कर दो आप लोग दुआएं मांग के। ओमिक्रॉन के लिए थोड़ी सी दुआ शुरू की है, अभी काबू होना शुरू हुआ है। नहीं, अब क्या शुरू किया आपने दुआएं? 2 साल के बाद आपने दुआएं शुरू की हैं जब वो वैक्सीन निकल आई? वैक्सीन तो वैसे एक बहाना है, लेकिन ये सब हमारी दुआ की वजह से हुआ। मगर खत्म क्यों नहीं हो रही? खत्म होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता अब होगी। दुआ जी, दुआ के असर तो इतने जल्दी नहीं होते। लो, चलो चलो, सारे लोग जो मौत के करीब होते हैं, जिनको कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लोग तो वो भी दुआएं मांग रहे होते हैं, वो क्यों नहीं बचते? उनका वक्त पूरा हो जाता है, क्योंकि जो हाँ, जो जितना जीना है ये उनके जिंदगी चले आप दुआ प्रेगनेंसी। मांगे, आप तो अच्छे मुसलमान हैं, आप जी दुआ जी मांगे बिल्कुल, कि अभी यहाँ पर इतनी इतना बड़ा जी। स्टॉर्म चल रहा है, यहाँ पर मुझे बिजली का कड़ाका आ जाए। चले, बस आपके अभी दुआ आपके खिलाफ मैं क्यों करूं? आप अपनी जिंदगी जी लें। नहीं, हम देखना चाह रहे हैं ना दुआ में कितनी ताकत होती है, क्योंकि दुआओं से तो आज तक मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। बस ऐसे ऐसे इधर सारे दो तीन लड़के मैं जानता हूँ जो डॉक्टर बने, दुआ किया मैंने उनके लिए। डॉक्टर बने उनके लिए आपने दुआ की? मैंने दुआ की थी वो डॉक्टर बन गए, वो या उनके डॉक्टर पढ़ाई, बन गए। उनके पढ़ने से कुछ नहीं था, यानी उन्होंने जो पढ़ाई की, उन्होंने दिमाग में डाली चीजें, एग्जाम पास किए, वो कुछ नहीं था, उनकी काबिलियत कुछ नहीं थी, सिर्फ आपने दुआएं मांगी तो पास हुए। अगर आप दुआ नहीं मांगते तो वो कितनी भी पढ़ लेते वो पास नहीं होते, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नाकाम हो जाते और नामुराद हो के घर वापस आ जाते। नहीं तो फिर मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि भैया आप दुआएं मांगो तो ये कोविड क्यों नहीं खत्म हो रहा? 2 साल से दुआएं मांग रहे हैं लोग, बड़ी स्लो काम कर रही हैं आपकी दुआएं। मैं आपसे बिग बैंग पे एक सवाल करना चाहता हूँ। बिग बैंग जो 4.6 से
बिग बैंग पे आप बात कीजिएगा। लग नहीं 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 बिग बैंग पे आप गालिब से बात कीजिएगा, मुझे इतनी उसकी नॉलेज नहीं है, मगर आप उससे बात कीजिएगा। रही मैं कोई साइंस की वो नहीं हूँ, है। मुझसे किस आप पे बात औरतों कर रही की है? चीजों पे बात कर सकते हैं, औरतों के हकूक पे बात कर फेमिनिज्म सकते पे बात कर सकता हूँ? फेमिनिज्म पे। हैं। हाँ फेमिनिज्म पे बात कर लें आप। अच्छा आप ये बताओ कि जो पूरी वर्ल्ड में रेप केसेस हैं, रेप इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? पूरे वर्ल्ड में या जो दूसरी यानी जगहों पे, वर्ल्ड में, हमारी वर्ल्ड में, हमारी वर्ल्ड आपके इस्लामिक वर्ल्ड में? में। हाँ, हमारी दुनिया की बात, हम जो हमारा जो प्लेनेट है इधर की बात कर रहे हैं। देखिए रेप केसेस प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है, चाहे किसी भी जगह पे हो, कम हो गए हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके मुल्क में एक रूल और लॉ होना चाहिए जिससे लोगों को थोड़ा सा डर लगे कि अगर हम ये करते हैं तो हमारे साथ ये होगा। सजाएं मिलनी चाहिए उनको, और सजाएं ऐसी मिलनी चाहिए कि लोग वो फिर दोबारा से ना करें। मगर जब सजाएं ही नहीं मिलती हैं लोगों को, और दूसरी बात ये कि जो रेप के विक्टिम्स होते हैं उनको ये नहीं कह देना चाहिए कि भाई आपकी इज्जत है, अगर बता दिया तो इज्जत खत्म हो जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं, उनको ये कहना चाहिए कि आप आगे आओ, आप बताओ, राइट? तो मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे रेप केसेस नहीं होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, मगर उनको सजाएं भी मिलती हैं, लड़कियां भी आगे आती हैं। अगर आप पाकिस्तान को उठा लो और यहाँ के केसेस को उठा लो तो दिन रात की डिफरेंस है नंबर्स में, क्योंकि पाकिस्तान में तो कितने केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, लड़कियां निकलती ही नहीं है बाहर, कहती हैं कि यार रहने दो, शादियां नहीं होंगी उनकी। कोई लड़की अगर बता दे मेरा रेप हो गया है, उसे कौन शादी करेगा फिर आगे जाके। ये इंडिया में भी ये चीज, इंडिया में भी ये बात की गई थी। एक जर्नलिस्ट था, वो यही पूछ रहा था कि उसने लोगों से सवाल किए थे, वो कहते नहीं अगर किसी का बंदी का जिनसी ज्यादती हो गई है तो हम उससे क्यों शादी करेंगे। सो जी यही इसका क्लू है, मतलब इसका हल ये है। हल वही मैं आपको बता रही हूँ ना, कि भाई आप जितना लोगों को जो है एजुकेट कर सकते हैं, जितनी आप पनिशमेंट इस पे रख सकते हैं, जितना इंसाफ आप लोगों को दिला सकते हैं, तो दैट इज व्हाट्स गोइंग टू मेक इट बेटर, अवेयरनेस। और हमारे जो पाकिस्तान में तो खैर डिफरेंट ही है ना, वहाँ तो लोग इतने सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ लोग इतने सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, मगर यहाँ पर रेप जो है मोस्टली जो लोग करते हैं वो इट्स नॉट बिकॉज दे आर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, वो पावर किसी के ऊपर दिखाने के लिए, दैट इज व्हाट दे डू। अच्छा आप कोई तो और जैसे सवाल है? एक और बात है कि इसका जो एजुकेशन के थ्रू हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कि मैम आइदर हम को एजुकेशन करें या सेपरेट करें, आप इसके बारे में। एजुकेट करना पड़ेगा आपको अपनी औरतों को। सबसे पहले ये बताएं अपनी औरतों को कि अपनी सेफ्टी के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, अपने साथ क्या लेके जा सकते हो, अपनी सराउंडिंग को देखो, आप कहाँ जा रहे हो। अपनी सराउंडिंग, लड़का हो या लड़की हो, अपनी सराउंडिंग की हमेशा देखते रहा करो कि कौन आगे है कौन पीछे। मैं हर वक्त जो है, मैं कैमरेज वगैरह लगे हुए, मैं बाहर देखती रहती हूँ, कोई भी मुझे सस्पिशियस गाड़ी दिखती है तो मैं फॉरन, हम लोगों की एक्चुअली जो यहाँ कम्युनिटी है, हम लोग पोस्ट कर देते हैं, कोई भी अगर ऐसी गाड़ी दिखती है जो यहाँ की ना हो तो हम फौरन पोस्ट कर देते हैं भाई ये किसकी गाड़ी है। अपनी सराउंडिंग आप देखें, अपने साथ कोई ना कोई वेपन आप लेके चलें, चाहे अगर आपके पास गन नहीं है तो बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हैं। पेपर स्प्रे मैंने हमेशा से कहा, एक छोटा सा हेयर स्प्रे की बॉटल भी ले लो, अगर वो आंखों पर हेयर स्प्रे ही मारो आप तो उससे आंखें बड़ी जलती हैं। सो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, और ये एजुकेशन सिखानी पड़ती है। और ये जो इज्जत का मामला है, सबसे पहले तो ये इस इज्जत के मामले को हटाना चाहिए, ये एजुकेट करना चाहिए हमारी औरतों को कि अगर आपके साथ ये हादसा हो भी जाता है तो आपने कुछ खोया नहीं है ऐसा। यू नो यू इट्स हार्ड फॉर देम कि वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजरी है, तो उस ट्रॉमा के बजाय जिसने किया है उसको इतना टारगेट नहीं किया जाता, जिसके साथ हुआ है उसको और टारगेट किया जाता है हमारे मुल्कों में। यहाँ नहीं होता ऐसा, यहाँ पर तो लड़कियों को क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकती हैं, उनको हेल्प दी जाती है, उसके बाद उनकी थेरेपी होती है, उसके बाद यू नो दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन हियर, जिसके अगर किसी के साथ ऐसी ज्यादती हुई है। पाकिस्तान में क्या मिलती है सपोर्ट? वहां तो बहुत लड़कियां जो डरती हैं जाते हुए कि हम जाएंगे हमसे सवालात ऐसे किए जाएंगे, वो शर्म में ही मर जाती हैं वहीं पे, यू नो। चले इसामिक जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज, 3 घंटे हो गए, वेब स्ट्रीम बंद करना चाह रही हूँ। आप नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा, आपसे फिर जरूर बात होगी, ठीक है? एक बात सुने, आखिरी बात सुने, फिर मेरे पास भी टाइम नहीं होता क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ ना। आज आपको मैंने लाइव देख के मैंने कहा चलो इनसे बात कर लेते हैं। काफ़ी अरसे पहले मैंने आपसे कोई और आईडी पे भी बात की थी, तो बस ये दुआ वाली, मैंने आपके साथ कोई शगल वगैरह लगाया था कि इनके साथ ज़रा इस तरह बात करता हूँ इस्लामिक वर्ल्ड में जाके।
ये वैसे कोई इस्लामिक मिस्लामिक वर्ल्ड नहीं, ये एक ही वर्ल्ड है, इसमें हम सबको मिलकर रहना, इस प्लेनेट को रहने के काबिल बनाने के लिए सबको स्ट्रगल करनी है इन चीज़ों के ऊपर कि इस प्लेनेट को हम कैसे ल्यूएबल प्लेनेट बना दें। तो बस नथिंग, कुछ ऐसी भी नहीं है। क्या भी आप अरब में देखो मोहम्मद बिन सलमान की, कि उन्होंने कितनी मॉडर्नाइजेशन वहाँ पर की। मैं तो आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। इससे एक जरब लगी है कि जो हम बात कर रहे हैं कि और ये वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड है, ये सब वर्ल्ड को छोड़ के हमने सारी वर्ल्ड को बचाना है, तो सारी वर्ल्ड के लोगों के बारे में सोचनी। यूरोप में आगे गए तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इस तरह आगे गए, उन्होंने जो कुर्बानियां दी है, दैट्स अ वेरी लेंथी स्टोरी, बहुत लंबी स्टोरी है। तो फिर भी मैं आया करूँगा, मेरे पास दो तीन आइडियाज हैं, तो मैं उन पे उसके जरिए आपसे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होते हैं पाकिस्तान में, इन चीजों को आप चले छोड़ सकते हैं। और प्रियंका कुमार का आप देखो कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, प्रियंका का, उस पर दिल दहलाने वाली बात है कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो इस तरह की चीजों को चाहते अरे हैं। स्वामी तो जी, आप पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हो? अभी देखो ना, आज ही तो आके वो मंजूर मुझको धमकी दे के गया है। वो बाहर बैठा कौन है सा स्वामी, वहां पे बैठा हुआ है इस लाइन में। तो ये आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे ऐसे जिहादी नहीं बैठे हुए कनाडा में? यहाँ भी बैठे हुए हैं, हर जगह देखो, बैठे एक हुए हैं। बात, आइडियोलॉजीज दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। जो भी आइडियोलॉजी है, हमारे पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हमारे पास कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है और सेकुलरिज्म है। तो मैं पहले थोड़ा सा कम्युनिज्म की बात करता था, फिर कैपिटलिज्म को मैंने सही पढ़ा, फिर सेकुलरिज्म को मैंने सही पढ़ा। मुझे सबसे ज्यादा जो बेस्ट आइडियोलॉजी लगी, ये जो बेस्ट है, वो तो अपनी एक पोजीशन और सिचुएशन की बात होती है कि जहाँ पर कम्युनिज्म फिट आता है वहाँ कम्युनिज्म होना चाहिए, जहाँ सोशलिज्म फिट आता है और जहाँ कैपिटलिज्म फिट आता है, कि एक बंदा अमीर है तो आप उसको खींच के गरीब तो नहीं कर सकते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक बंदा से जानता है, बिजनेस जानता है, इंडस्ट्री जानता है, तो ये एक अलग टॉपिक है। ये सब सिस्टम मिक्स होके सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है स्टेट के लिए, सेकुलर स्टेट मैं कहता हूँ होनी चाहिए, कि कोई जो रिलीजियस की डोमिनेंस ही नहीं होनी चाहिए स्टेट के ऊपर, और गवर्नमेंट का जो रिलीजियस नैरेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसी पे मैं कह रहा हूँ, और एजुकेशन पे भी मैं यही बात सोचता रहता हूँ कि हम कोई एजुकेशन दें शुरू से बच्चों को, तो ये जो हमारे पास जो ग्रुपिंग रेप होती है, जो फ्रस्ट्रेटेड रेप होती है, ये बहुत ज़्यादा कम की जा सकती है। तो आपके पास भी टाइम नहीं है, तो मैं भी कुछ यहाँ पर अभी फिजिक्स मैंने खोला है, इसको पढ़ने की अभी जरा कोशिश लेट हो गया है कर ना, 3 घंटे से हो गई है स्ट्रीम में। जरा मैंने की है स्ट्रीम 6-6 घंटे की, मगर मैं ये कह रही हूँ ना कि बच्ची घर पे होती है तो उसको भी चाहिए। अब मैंने खाना बनाना है, 3 घंटे में भूख लग रही है उसको भी, मुझे भी लग रही है, तो मैं अब जाके खाना बनाऊंगी। थोड़ा संडे है, जाके कुछ मूवी शूवी देखेंगे, थोड़ा उसके साथ टाइम गुजारूंगी। कि चलिए, कौन सी थैंक यू, मूवी आपने बड़ा देखोगी, अच्छा लगा। साइंटिफिक, कौन सी मूवी देखोगी, साइंटिफिक या कोई और पता नहीं, फिल्म? देखते हैं अभी कौन सी देख रहे हैं आज। वो तो आइस एज पे बैठी हुई है, बच्ची के साथ देखती हूँ। तो अभी हमने वो मूवी देखी थी, रेड नोटिस, वो उसकी है, रॉक नहीं है, क्या नाम है उसका यार, जॉनसन, क्या नाम है उसका, वो बड़ा सा जो बंदा है, द रॉक, जानते हो ना, जो रेसलिंग करता था, मुझे उसका बिल्कुल, पहला हाँ नाम जी, नहीं हाँ आता जी, रहे। हाँ वो है वो उसमें, मैंने और रायन देखी है। रेनल्ड्स है, वो अच्छी मूवी है, आप लोग देखना, रेड नोटिस के नाम से है वो, देखना आप लोगों को, बड़ी जबरदस्त मूवी है, मुझे मैं अच्छी जरूर लगी। देखूंगा, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी है और मार भी पड़ी है ना, तो ओहो, मेरी वाइफ ने रोजा रखा था तो मैं टाइम पे नहीं आ सका। ड्यूइन मैं जॉनसन, हाँ स्टूडेंट को साइंस पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो उन्होंने रोजा रखा तो उन्होंने बड़ा गिला किया और मुझे मारा भी है। जब मैंने उनको छूने की कोशिश की तो आगे से मारा भी। मैंने उनको कहा यार ये क्या ड्रामा लगाया, वही तुमने रोजा रोजा, बस अभी मैं उनको इन्फोर्स भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उनकी अपनी वेल है, वो इतना साइंस पढ़ी हुई नहीं है और रेशनल नहीं है ना, तो जी बस एक क्लोज वाइफ है, उनको पता नहीं है, वो कह रही है तो चीजें गलत हो रही है। मैं कह रहा हूँ ये सब गलत हो रही है, क्या करें हमारे साथ। तो उन्होंने उनकी बड़ी डांट पड़ी है और बस बहुत ज्यादा डांट, अभी भी मूड अच्छा नहीं उसका, कह रही जा रही हूँ, अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं पाकिस्तान में। भैया, आप जाएं अपनी वाइफ के पास जाइए, वरना हम नहीं चाहते कि आपको और मार नहीं, पड़े। वो भी फिर रोजे की तरफ जाएगी ना, अभी कुछ खा लेगी तो दिन को उसका रोजा होता है ना, अच्छा, तो ये बस ये लगा हुआ है। तो इसको मैं समझाता हूँ, ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज है, ये इन चीजों इससे लार्ज यूनिवर्स के कानून में है ही नहीं कि आप ये कर रही हो, ऐसे ही बस लगे हुए तुम लोग, तो फिर बस क्या करें, यहाँ पर बस ऐसा होता है।
चलें ठीक दुआ है, करें थैंक यू इनके लिए, एग्जामिंग दुआ के करें लिए। इनके लिए, दुआ करें इनका कुछ बन जी जाए। मैं जरूर दुआ करूंगी। चले मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच इस्लामिक जी, आपसे दोबारा जरूर बात होगी, आइएगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीबॉडी जो जो यहाँ पर आया।